दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भी मैं एक अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक आप लोगों के साथ एक किस्सा, एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों कहानी है एक किसान की, जो खेती करते थे अपने बाप के, अपने माने परिवार के जमीन पे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, उस किसान के हाथ में ना एक छोटा सा ऐसा पत्थर लग गया। जमीन के ठीक साइड में ही एक नदी था। उस नदी के किनारे जब किसान हाथ मुंह धोने के लिए गया था तो देखा कि एक कुछ पानी में चमक रहा है। तो उसको हाथ में उठाया और देखा एक चमकता हुआ पत्थर है। तो जमीन के साइड से एक आदमी जा रहा था, वो बहुत माने पढ़ा लिखा किया हुआ आदमी था। तो उसको जाके किसान ने दिखाया कि ये देखिए भैया, ये क्या चीज है, ठीक है, ये कहीं हीरा तो नहीं है। तो किसान बेचारा जानता तो नहीं है क्या हीरा होता है, लेकिन वो जो पढ़ा लिखा किया हुआ जो लड़का है, जो आदमी है, वो उसको देखा और उसको बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब ये हीरा नहीं है, हीरा जो है बहुत महंगा होता है और हीरा इधर कैसे मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसको पता है ये हीरा है, ठीक है। तो उसको ऐसे बोल दिया। तो किसान बेचारा उसको पूछा कि हीरा का कैसा भाव होता है, बोला कि ये जो देख रहे हैं ना, इतना सा हीरा अगर आपके पास आ जाएगा तो ये गांव क्या, बहुत जगह एरिया आप परचेस कर सकते हैं, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो किसान बेचारा सोचने लगा, तो पूछा कहाँ हीरा मिलता है। तो वो जो मैंने बुद्धिमान जो था, जो पढ़ाई बढ़ाई किया है, तो वो बोला कि बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से बहुत कोस दूर आपको बहुत दूर जाके वहाँ एक जगह है, वहाँ पर हीरा मिलता है, ठीक है। तो किसान ने बोला ठीक है, तो मैं अभी खेती वेती क्या करेंगे, थोड़ा सा हीरा अगर मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो वो बोला हाँ आप बन सकते हैं, बेकार की क्यों ये सब खेती वेती लगा रहे हैं, सारा जिंदगी भर कोशिश करेगा तो बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या किया, किसान ने क्या किया, अपना हिस्सा का जो जमीन है वो जमीन बेच दिया। बेच के वो बाहर चला गया, जहां पर बोला था कि ये जाके उसको वहां पर ढूंढिए, वहां जाके ढूंढने से हीरा मिल सकता है, ठीक है, यहां नहीं मिलेगा। अभी बहुत दिन हो गया, वो किसान बहुत जगह पर ढूंढा, बहुत मेहनत किया, लेकिन हीरा उसका हाथ में नहीं लगा। पैसा वैसा जो था सारा पैसा खत्म हो गया, सब कुछ लूट गया। बाद में जाके वो अपना गांव में आ गया, आके देखा गांव का हालत पूरा चेंज हो गया। क्या हुआ, जो लड़का उसको बोला था कि यहाँ पर हीरा नहीं मिलेगा, ठीक है, वो उसका जमीन को पूरा परचेस कर लिया है, वही परचेस किया है, और जमीन के बीच से माने साइड से जो नदी जा रहा था उस नदी में ही हीरा मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ वही नहीं, गांव का बहुत सारा लोग उस नदी से हीरा उठा के बेचकर बड़ा बड़ा आलीशान बंगला बना लिया है। जो उसके हाथ में ही था वो गवा चुके। तो वो दुख से मैंने उसको रहा नहीं गया, आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है दोस्तों, हमने देखा है लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोग बाहर में जाके काम करता था, बहुत लोग विदेश में भी जाके काम के लिए जाता था, लेकिन जो लोग अपने देश में रहकर कमा रहे थे उसको मैंने बहुत तकलीफ तो सबको उठाना मैंने पड़ा है,
लेकिन जो अपने देश में था उसको इतना तकलीफ नहीं आया। हमने देखा है ना, बहुत लोग जो है मैंने जो बाहर में गया था उसको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा, ठीक है ना। तो आपके आपको क्या करना है, आपके आसपास में जो है ना उससे ही सोचना है, उसको ही देखना है, देखिएगा उस पर ही आपको मैंने सफलता अगर मिलेगा तो कहीं पर मिल सकता है। अपने सोच को अगर ठीक रखिएगा, अपने दिमाग को अगर ठीक जगह पर काम लगाइएगा तो बाहर जाने का जरूरत नहीं है। अपने देश में रहकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने मोहल्ला में रहकर, अपने घर में रहकर, पिता माता के साथ रहकर, अपने बीबी बच्चों के साथ रहकर भी अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे, ठीक है ना। दिमाग को ठीक रखना है और जो आसपास में है उसको लेकर पहले सोचना है, ठीक है ना। अगर दूर में क्या मिलेगा, वो दूर का चीज दूर में ही रहता है, ठीक है ना। उसमें क्या मिलेगा वो सब माने सपना होता है। अगर आसपास में क्या मिल रहा है ये सब देखकर अगर ठीक से दिमाग को काम पे लगाएंगे, अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक में आते हैं। आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये घर से ही आप शुरू कर सकते हैं, बाहर में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में छोटा सा इन्वेस्ट करके ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अभी इसका डिमांड ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये चीज जो है दोस्तों ये है जो हम लोग ग्रीन चिली जो खाते हैं ना, इसका ही पाउडर मार्केट में बेचा जाता है, ग्रीन चिली का पाउडर, ठीक है। तो ग्रीन चिली का पाउडर कितना भाव में बिका जाता है, किसमें मार्जिन कितना मिलता है, इसे बनाया कैसे जाता है, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो दिख रहे हैं यही है ग्रीन चिली पाउडर, ठीक है ना। तो ये ग्रीन चिली पाउडर जब आप बनाइएगा तो इसे सुखाना पड़ता है दोस्तों। ये बनाना बहुत आसान है। एक ट्रे में ऐसा आप ये जो ग्रीन चिली है इसे ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको 4-5 दिन के लिए छोड़ देना है, माने रखना है, धूप में सुखा लेना है, ठीक है। धूप में जब पूरा एकदम सूख जाएगा तो इसको आपको क्या करना है, ग्राइंडिंग कर लेना है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंडिंग करके बस बन जाएगा, ठीक है। तो जब ग्रीन चिली माने आप 100 ग्राम लीजिएगा तो उससे पाउडर जो है निकलेगा कम से कम 30%, ठीक है, पकड़ के चलना पड़ेगा। तो 300 ग्राम इसमें आएगा, तो 1 किलो में कितना आएगा, 1 किलो में 300 ग्राम आएगा और 100 ग्राम में आएगा 30 ग्राम, ठीक है। तो आप अगर 1 किलो ग्रीन चिली परचेस करेंगे होलसेल प्राइस में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50-60 रुपया ये लेगा, ठीक है ना, पड़ेगा। तो 60 रुपया अगर किलो में परचेस करेंगे तो 300 ग्राम का पाउडर आएगा तो आपका 300 ग्राम पाउडर का प्राइस कितना होगा, 60 रुपया, ठीक है। और ये कितना रेटों में मार्केट में बेचा जाता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अभी मैं फ्लिपकार्ट में हूँ, तो फ्लिपकार्ट में कितना रेटों में बेचा जा रहा है देखिए, होली नेचुरल ग्रीन चिली पाउडर 100 ग्राम का प्राइस है 180, ठीक है। तो कितना प्राइस हो रहा है, माने कितना रेटों में बेचा जा रहा है देख ही रहा है, ठीक है। तो 300 ग्राम का प्राइस हो गया आपका 60 रुपया, तो 1 किलो का प्राइस है कम से कम, अगर 1 किलो का आप अगर कॉस्टिंग निकालेंगे तो देखिएगा 200 रुपया पर किलो में ये आ रहा है, माने ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर बहुत ज़्यादा परचेस करेंगे तो इतना भी नहीं पड़ेगा आपको, देखिएगा 150 रुपया 160 रुपया में बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख ही रहे 100 ग्राम 180 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है ना। आप अगर 100 ग्राम 100 रुपीज़ में भी बेचेंगे तो भी आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये बेचना है ज़्यादा से ज़्यादा, ये मार्केट में भी आप कोई भी दुकान में बेच सकते हैं, और ये ऑनलाइन अगर आप
बेचेंगे इसमें मार्जिन आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन में बेचने के लिए दोस्तों मैं जो जो माने वीडियो है मेरा, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑनलाइन में जो बेचा जा रहा है ना, बहुत मुनाफा आप कमा सकते हैं ऑनलाइन से, ठीक है। और ये ज़्यादा झमेला का भी बात नहीं है, घर से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दुकान में आप इसे सेल कर सकते हैं, आपके आसपास में मोहल्ला में ये अच्छा सेल होगा, ठीक है। पैकिंग करके पैकेट बना के आप मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।